फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 12 की अध्याय आपके पास है सात, समाकलन इंटीग्रेशन में से आप लोगों को एक्सरसाइज आपके पास है पी में से आप लोगों को पार्ट्स नंबर फर्स्ट है, उसमें से आप लोगों को फर्स्ट में से आप लोगों को एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप लोग पहले इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक अवेलेबल है, उसके बाद आप लोग ये देखिएगा और वीडियो को 2 से 3 मिनट आप लोग देखिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना, लाइक करना, नहीं करना। अगर पसंद ना आए तो आप लोग वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को दो फार्मूले हैं, ये मैंने लिख इसलिए दिया क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा टाइमिंग आपकी बच जाएगी, नहीं मैं भी लिखूंगा फिर टाइम ज़्यादा, इसी वजह से मैं शॉर्ट वीडियो ही अपलोड करता हूँ, शॉर्ट में से ज़्यादा कंटेंट आपको देता हूँ और लॉन्ग वीडियो आपको वन आवर एक एक घंटे की आपको आप बताएंगे अगर, तो इसमें से आप लोगों को बुरियत महसूस होगी कि हम भी आपको आराम आराम से बताएंगे, आप लोग भी आराम आराम से देखेंगे, कहेंगे अरे बकवास चल रहा है सब सिस्टम। तो इसी वजह से आपको कम टाइम पे आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं वही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग बस देखते रहिएगा एस के ऑनलाइन क्लासेज। लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ए प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स की एक कंडीशन होती है, वो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटी ए वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स प्लस का बी होता है, ठीक। और इसी में होता है अगर इसी को मान लिया एक्स बराबर टी तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास डी टी हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी टी अपान ए प्लस का बी प्लस ए टी स्क्वायर बन जाता है। एक तो ये होता है, एक जो होता है डी एक्स अपान ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स की कंडीशन जो होती है, तो वो होता है वन अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग टेन एक्स प्लस का अल्फा होता है। तो इसमें से अल्फा बराबर होता है टेन इनवर्स बी अपान ए होता है, और साइन अल्फा बराबर होता है बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस अल्फा बराबर होता है ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। जी आपको डायरेक्टली फार्मूले लिखे हुए हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एजिस्टिस इसको याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जल्दी से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर चुके, क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, फर्स्ट में क्या लिखा है इंटीग्रेशन आप डी एक्स अपान लिखा है कॉस डी एक्स अपान लिखा है, एक मिनट एक्सरसाइज निकाल लेते हैं, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स क्या लिखा है, कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स लिखा हुआ है। अब इसको आपको हल करना है, तो यहाँ लिख लेंगे माना आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटी कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। जब ऐसी कंडीशन दी होती है तो R की जगह पे यहाँ पे देखिए आपको कोई संख्या नहीं मिल रही है, हमने आपको फार्मूला आपको लिखाया है a साइन b x प्लस का b cos x लिखाया था, a b के यहाँ पे मान नहीं दिए हुए हैं तो क्या हो जाएंगे वन वन हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे R साइन अल्फा बराबर एक समीकरण एक और R cos अल्फा बराबर एक समीकरण नंबर हम दो मान लिए, जी हमने मान लिया। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण एक व यहाँ पे कोई संख्या क्या हमने मान ली आर आर साइन अल्फा बराबर एक आर कॉस अल्फा बराबर एक आ गया, ठीक। अब हमने यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण एक व दो का वर्ग करके जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर एक प्लस का एक, तो ये आर स्क्वायर हमको कौन मिल जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर दो, इसका मान होता है एक, तो आर स्क्वायर बराबर बचेगा दो, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट टू, आर का मान हमें अंडर रूट टू मिल गया, तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे अल्फा का मान, लिख लेंगे समीकरण एक में दो का भाग करने पर, भाग कर देंगे तो r साइन अल्फा बराबर टी आर कॉस अल्फा बराबर एक बटे एक, तो r से r कट जाएगी बचेंगे टेन अल्फा बराबर एक। अब टेन अल्फा में एक किसका मान होता है पाई बाई फोर का, तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर पाई बाई
फोर आ गया जी, आपके पास सवाल की कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं तो ये आ जाएगा पुनः आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटीग्रेशन, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको ये वैल्यू अब पुट अप करनी पड़ेगी, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा कि फास्ट स्पीड में। फिर आगे बढ़ते हैं, रख लिए। अब जहां जहां एक था वहां वहां एक की जगह पर रख लेंगे आर साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स अपान आर साइन अल्फा इंटू में कॉस एक्स प्लस हो जाएगा आर कॉस अल्फा इंटू में साइन एक्स। आर से आर हमको क्या मिल जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे आर, जे हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस एक्स का फार्मूला बन जाएगा, साइन ए प्लस का बी कॉस ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आर को हम ले लेंगे बाहर कॉमन, तो जो हो जाएगा हमारे पास वन अपन आर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे, अब जो हो जाएगा वन अपन साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक, तो जो हो जाएगा कॉस एक अल्फा प्लस का एक्स जो हो जाएगा डी एक्स। अब कॉसिक एक्स का हमारे पास समाकलन बता लॉग होता है टेन एक्स बाई टू प्लस का सी, जो जाएगा वन अपान आर लॉग मोड ऑफ टेन अल्फा प्लस एक्स बाई टू प्लस का सी। ये देख लीजिए आपके पास वैल्यू, आपको ऐसा हमने फार्मूला प्रूविंग करवा चुके थे, क्वेश्चन भी आ गया। अब आर का मान यहाँ पर रख देंगे तो वन अपान रूट टू लॉग मोड ऑफ टेन, चाहो तो यहाँ पे अल्फा प्लस एक्स के भी मान रख सकते हैं, तो अल्फा का मान हमारे पास है पाई बाई फोर प्लस एक्स का मान हमारे पास एक्स ही रख देंगे तो जो हो जाएंगे एक्स बाई टू और जो पाई बाई फोर फोर्थ क्या हो जाएंगे पाई बाई एट प्लस का सी। यही हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर एट, सॉरी इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड में नोट कर लीजिए। हो गया क्विक, तो आगे बढ़ते हैं। कोशिश करेंगे इसको आप लोगों को फुल एक्सरसाइज बताने की, फुल भी लिख सकते हो और में आप छह सवाल है छह के छह बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे टू साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, क्या लिखा है टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जी आपके पास सवाल लिखा है, आपको ये सवाल ऐसे करना है। ये बहुत आसान है सवाल, आप कर सकते हैं आसानी के साथ साथ। अब देखिए इस सवाल में क्या करें, देखिए इसमें हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको कॉस स्क्वायर एक्स का दोनों पक्षों में क्या कर देना है भाग कर देना है, ठीक। या यहाँ से हम कॉस एक्स हम क्या कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लोगे तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी हो जाएगा डी एक्स जी हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास बारह आ जाएगा, ठीक है कॉस स्क्वायर एक्स बारह आ जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास साइन आ जाएगा तो हो जाएगा टू टेन एक्स और प्लस का वन। अब ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन वन अपन कॉस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटी आ जाएगा टू टेन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया। अब जब ये होल स्क्वायर बन गया तो यहाँ पर अब मान लेंगे हम, लिखेंगे माना टू टेन एक्स प्लस वन बराबर टी, तो इसका हो जाएगा जीरो तो हो जाएगा टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी,
तो जो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर जाएगा डी टी बाई टू। अच्छा डी टी बाई टू आ गया तो अब जी वाली वैल्यू उठा कर हम यहाँ रख देंगे तो हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा आसानी के साथ साथ। तो ये हो जाएगा डी टी बाई टू बटी हो जाएगा टी स्क्वायर बन गया। अब इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे इसका हो जाएगा वन बाई टू बाहर हो जाएगा जो हो जाएगा टी पावर माइनस का दो जो हो जाएगा डी टी। ये एक्स की पावर एन का हम इस पर फार्मूला लगा देंगे, क्या करेंगे एक्स की पावर एन तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस दो और जो हो जाएंगे प्लस का वन बटे माइनस का दो प्लस का वन प्लस सी। अवकलन में माइनस होता है, समाकलन में प्लस करते हैं तो जो हो जाएगा हमारे पास वन बाई माइनस का टू और जो जाएंगे टी पावर माइनस का वन प्लस सी जो जाएगा माइनस का वन बाई टू टी प्लस का सी। अब यहाँ पे हम टी का मान रख देंगे, क्या रखेंगे टी का मान रखेंगे टी बराबर क्या माना था हमने टू टेन एक्स प्लस का वन तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का वन बाई टू टेन एक्स प्लस का वन इंटू में आ जाएगा दो प्लस सी। यही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट हो गया। फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर चुके, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटी वन प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स बटी वन प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग करेंगे, क्या करेंगे अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग करने पर, क्यों ऐसे हम इसको कोई चीज कर नहीं पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा वन अपान हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अजय हो जाएगा। अब इस पर जब भाग करेंगे तो इस पर हो जाएगा वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स, इस पर हो जाएगा वन। अब इसका हम अलग से थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस का वन। अब सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इसे लिख सकते हैं क्या वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स प्लस का वन। जब इसको वन कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन आप सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटी हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस के दो। अब टेन स्क्वायर एक्स प्लस का दो हो जाएगा तो यहाँ पे लिख लेंगे माना टेन एक्स बराबर टी, टेन का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर जाएगा डी टी मान रख लेंगे तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटी हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस रूट टू का दो का बना लेंगे रूट टू का स्क्वायर। अब ये बन जाएगा फार्मूला तो जो जाएगा वन अपान रूट टू टेन इनवर्स एक्स टी अपान रूट टू प्लस सी तो जो जाएगा वन बाई रूट टू टेन इनवर्स टी की जगह पे मान रख लेंगे क्या माना था टेन एक्स बटी हो जाएगा रूट टू और प्लस सी। यही आपके पास क्या हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड में। हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ
फोर्थ, फोर्थ में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ई स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसमें भी लिख लेंगे अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, इसमें भी जब भाग दे देंगे तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन जी हो जाएगा वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे हो जाएगा ए स्क्वायर जी हो जाएगा ए स्क्वायर रहेगा प्लस का जो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएंगे। अब जी हो जाएगा हमारे पास सिक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर मान लेंगे माना टेन एक्स बराबर टी, जब टेन एक्स बराबर टी मान लेंगे तो जी हो जाएगा हमारे पास मार्कर चेंज कर लेते हैं दिख नहीं रहा होगा, जी हो जाएगा सिक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो इसकी जगह पे आ जाएगा डी टी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो जी हो जाएगा हमारे पास वन अपान बी स्क्वायर जी हो जाएगा हमारे पास डी टी बटे ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब जी हो जाएगा पूरा होल बन जाएगा वन अपान बी स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेशन डी टी बाई हो जाएगा ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर, बन गया आपके पास सब सोल्यूशन। अब इसके आगे आप लोग को हल कर लेना है तो जी हो जाएगा वन अपान बी स्क्वायर इंटू में वन अपान ए अपान बी टेन इनवर्स टी अपान हो जाएगा क्या एक्स अपान ए अपान बी प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे b से b ये कट जाएगा तो बचेगा वन अपान ए बी टेन इनवर्स t की जगह रख लेंगे हम टेन एक्स तो ऊपर आ जाएगा b अपान ए टेन एक्स प्लस का c। ये हो गया आपके पास आंसर, देख सकते हैं कैसे कंप्लीट हो गया। ऐसे आप लोगों को लगाते चले जाएंगे बढ़ते चले जाएंगे आगे। तो नोट कर लीजिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। रुक गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5। 5 में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे आ जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो बहुत आसान है आप लगा सकते हैं इसमें कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे फिर उसका स्क्वायर खोल लेंगे उसके बाद बटे एक बार कर देंगे फिर ऐसे सवाल सेम हम बता चुके हैं आप लोगों को फिलहाल तो आप लोग चाहो तो देख भी सकते हैं ठीक है हो जाएगा। तो चाहो तो बता देते हैं आप लोग इतना कोशिश कीजिए लगाने की फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे जाएगा डी एक्स बटे इंटीग्रेशन जी हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स तो ये बचेगा ए टेन एक्स प्लस का बी स्क्वायर तो ये बच जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन डी एक्स जी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे ए प्लस का सॉरी ए इंटू में हो जाएगा टेन एक्स और प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप मान लेंगे माना टेन एक्स बराबर टी तो जी हो जाएगा इसका अवकलन कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे तो जी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटे ए टी प्लस का बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब होल स्क्वायर बन जाएगा तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे
जो हो जाएगा ए टी प्लस बी की पावर माइनस का 2 और डी टी, फिर हो जाएगा ए टी प्लस बी की पावर बचेगा माइनस का 1 और बटे में आ जाएगा माइनस का 1 इंटू में ए टी प्लस बी का कर देंगे अवकलन उससे कर देंगे भाग, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास ए प्लस सी, तो जो हो जाएगा माइनस ऊपर 1 अपान ए, जो हो जाएगा ए टी प्लस बी प्लस सी, तो जो हो जाएगा माइनस 1 अपान ए, जो हो जाएगा ए टेन एक्स टी का मान रख देंगे प्लस का बी और प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की ओर, जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन बचे हैं 6 और 7, आप लोगों को लगाने की कोशिश करना है। देखिए यहाँ पर आपको लिख देते हैं क्योंकि दो क्वेश्चन बचे हैं, सिमिलर ऐसे ही लगेंगे, आपको बस थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन 6 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, क्या लिखा है, ये तो बहुत आसान है, आप लोग लगा सकते हैं डी एक्स पर टी पावर माइनस का साइन की पावर 4x, इसका स्क्वायर बना लेंगे, स्क्वायर बनाने के बाद मान लेंगे वैल्यू, फिर हम वैल्यू उसको लगा लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कोशिश करेंगे। अब इसी में लगा क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या लिखा है 7, 7 में क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स पर टी 12, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे 12 कॉस एक्स माइनस के 5 साइन एक्स लिखा हुआ है आपके पास सवाल में। ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, आप लोग लगा सकते हैं। इसमें आर आर के मान डायरेक्ट ए बी के मान दे दिए, आप डायरेक्ट इसका फंक्शन कर सकते हैं, समझे। तो ये आप देखिए पी एक्सरसाइज आपके पास समाप्त हो गई, फुल एक्सरसाइज फुल पूरी एक बार में ही, तो आप लोग यहाँ से फुल फिनिश, ठीक है, जीरो मतलब समाप्त हो गई। तो आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अगर सेशन आपको पसंद आया हुआ तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए जोश नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तो नमस्कार, बाय बाय, टाटा।